हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा आज पहला वीडियो है यूट्यूब पे, जिसपे मैं आज बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो लोग आजकल फेस कर रहे हैं रिलेटेड टू हेयर फॉल। आज की जनरेशन 70 से 80% जनरेशन जो है वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। मैं आज बहुत ही सिंपल और चीप एंड बेस्ट रेमेडी लेके आई हूँ आपकी हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है और ये हर घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। मैं जिस चीज़ पे बात कर रही हूँ वो है मेथी के दाने। यस, मेथी के दाने बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आपके बालों के लिए। आपके हेयर फॉल के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि इनप्रॉपर डाइट हो सकती है, टेंशन हो सकती है, हेरिडिटी से भी हो सकते हैं हेयर फॉल। बट अगर आप मेथी के दाने यूज़ करते हैं अपने बालों में सही तरीके से, कितने दिन लगाना है, कितना टाइम लगाना है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो ये आपके हेयर फॉल को 100% कंट्रोल करेगी। मेथी के दाने में विटामिन सी, विटामिन ए, फॉलिक एसिड एंड फुल ऑफ प्रोटीन होता है, तो इसको आपका हेयर फॉल कंट्रोल होता है, डैंड्रफ को भी भगाता है और आपका हेयर ग्रोथ भी अच्छा करता है। तो इसको किस तरह से लगाना है मैं अपने वीडियो में बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले आप मेथी के दानों को एक बाउल में निकाल के पानी में भिगो के रख दें। फिर इसको रात में भिगोने के बाद इसका पानी निकाल लीजिए और अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लीजिए ताकि आप इसको अपने बालों में लगा सकें। पेस्ट को आप एक टेबल स्पून हेयर ऐड कर लीजिए। मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से बालों में अप्लाई कर सकें। जब पेस्ट रेडी हो जाए तो उसको अपनी उंगलियों की हेल्प से पूरे हेयर रूट पे और पूरे हेयर्स को कवर कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया, ये फुल ऑफ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो आपके डैंड्रफ भी ख़त्म करती है और आपका हेयर को ग्रोथ भी देती है और आपका शाइन भी देती है। मैंने इसको लगा लिया है। इसको 1 से 2 घंटे लगाने के बाद मैं इसको नॉर्मल पानी से धुल लूँगी। तो आपने देखा मेथी के दाने को किस तरह से लगाना है। अगर आप इस रेमेडी को एटलीस्ट 3 मंथ यूज़ करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि मैं और भी होममेड रेमेडी लेके आ सकूँ और अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।